तो ये वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच कीजिएगा और 101% अपने सेट को। अभी एरर जो आ रहा है आप जूम करके दिखाता हूँ, एनवी डाटा इज करप्ट। अभी हम इस एनवी डाटा को फिक्स करेंगे। और ये हमारा अनलॉक सीपीयू है, आपको जितना भी मैंने दिखाया है टोटली बिल्कुल एक्स, आप कभी भी ये प्रोसेस लेके आपका साइट फॉलो करेंगे तो आपका साइट रिपेयर कर पाएंगे। और देख सकते हैं साइट कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अभी मैं इसको नमस्कार दोस्तों, फोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके पास लेके आए हैं पोको एक्स थ्री प्रो, जिसमें UFS 3.1 यूज़ हुआ है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि उसका CPU आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाने वाले हैं कि एक पोको एक्स थ्री प्रो जिसमें CPU फेल है, हम मार्केट से नया CPU उसमें किस तरीके से लगा सकते हैं, क्या क्या स्टेपें हमको फॉलो करना होती हैं और हम उसको किस तरीके से एक प्रॉपर वर्किंग मोबाइल में हम उसको बना सकते हैं। तो आज के ये वीडियो पूरा आपको डीपली बताया गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है कि कब हमको प्रोग्रामिंग करना है, एरर कैसे क्लियर करना है, एक एक बहुत ही डीपली आपको बताया जा रहा है। तो ये वीडियो अगर आपके पास पोको एक्स थ्री प्रो है और आपका सीपीयू फेल है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 101% इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक्स थ्री प्रो मोबाइल में अपना सीपीयू चेंज कर पाएंगे। तो ये वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप इसको वॉच कीजिएगा और 101% अपने सेट को। नमस्कार दोस्तों, फोन में टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज हमारे पास पोको एक्स थ्री प्रो आया हुआ है, जिसमें कि हमने स्टेप बाय स्टेप इसको चेक कर लिया है तो इसमें हमारा सीपीयू फॉल्टी पाया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसका न्यू सीपीयू इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसकी सारी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं कि एक नया सीपीयू आप मार्केट से लगाने के बाद उसमें क्या क्या प्रोसेस करना होती है और कैसे आप उसको साइट को रिपेयर करेंगे। तो यहाँ हमारे टेबल पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोको एक्स थ्री प्रो है, इसका सीपीयू वगैरह हमने सारा चेक कर लिया है, फाइनली हमारा सीपीयू ही ख़राब निकला है। तो ये इसका फॉल्टी सीपीयू है और ये मार्केट का न्यू सीपीयू है, देख सकते हैं। जब आप मार्केट से न्यू सीपीयू परचेस करेंगे तो ये जिस रैम्स वाली साइड जो होता है ये हमारा गोल्डन पॉइंट होते हैं, बिल्कुल फ्रेश न्यू आते हैं, किसी भी टाइप का सोल्डर नहीं लगा होता है और एक साइड से ये कंपनी से ही रिवॉल्व करा हुआ आता है। ये इस टाइप से हमारा फ्रेश सीपीयू आता है मार्केट में और जो 1900 से 2000 रुपये के बीच में आता है। और UFS हम इसमें अपनी जो ओल्ड कस्टमर की थी वही आप लगा सकते हो या फिर कोई भी दूसरी सैमसंग की UFS आप इसमें यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसमें सबसे पहले सीपीयू लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप हर एक आईसी को इंस्टॉल करेंगे। तो अभी हम इसमें वर्क स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सीपीयू हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो अभी हम इसको देखेंगे कि ये सीपीयू में हमारा पोर्ट आता है कि नहीं आता है और डीसी पे एक बार इसकी बूटिंग चेक करेंगे कि क्या आती है। सबसे पहले डीसी की बूटिंग ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सीपीयू ओके है, 66 पे स्टक हो चुका है, 66 पे स्टक हो चुका है। और अभी हम इसमें कंप्यूटर में भी एक बार पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी डीसी की बूटिंग चेक कर ली है तो हमें डीसी पे स्टक मिला। एक बार हम पीसी में भी इसका पोर्ट चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ साइट कनेक्ट किया है तो अभी हम देखते हैं हमारे डिवाइस मेजर में कोई पोर्ट आता है क्या। दे
देख सकते हैं हमारा जो USB 9008 है, एक बार पोर्ट को हम चेक करते हैं। देखिए हमारा प्रॉपर पोर्ट बन चुका है, जो हमारा CPU था वो प्रॉपरली इंस्टॉल भी हो चुका है। तो अभी हमारा CPU भी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है, DC पे भी हमारा फ़ोन स्टक हो चुका है। अब हम इसमें UFS और RAM को इंस्टॉल करेंगे और फिर हमारे PC से इसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे इस UFS की। तो फ्रेंड्स अभी हमारे पास MIPI टेस्टर बॉक्स है, तो हम इसका MIPI टेस्टर से स्पीड फास्ट होता है, तो MIPI टेस्टर से हम इसका काम करेंगे और जितने भी इसमें लून पार्टीशन है 1, 2, 3, 4, 5 सभी को इरेज कर देंगे, 6 के 6 पार्टीशन को, और उसके बाद हम इसको हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं बॉक्स ओपन हो रहा है और अभी मैं अडाप्टर में इसकी UFS कनेक्ट करता हूँ और अब मैं इसको UFS 3.1 है इसमें और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अब IC को। UFS वर्जन हमारा 3.1 है और इसको हम अब कनेक्ट करेंगे क्योंकि UFS थोड़ा सा स्लो वर्क करती है, स्लो हमारा बॉक्स में डिटेक्ट होता है। तो ये देख सकते हैं हमारा UFS प्रॉपरली डिटेक्ट हो गया है और हमारे सभी पार्टीशन भी इसमें अभी फैच होंगे धीरे से, तो हमारे सारे पार्टीशन भी इसमें रीड हो चुके हैं हमारे बॉक्स में। तो अभी हमें इसमें सारे पार्टीशन को इरेज करना है, जितने भी हमारे पार्टीशन है UFS के सभी को 1x1 इरेज करना है। तो हमारे सारे पार्टीशन इरेज हो गए हैं 1 क्लिक में। तो ये MIPI टेस्टर की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि ये बहुत फास्ट वर्क करता है और ये सारे पार्टीशन भी हमारे स्पीड आप देख सकते हैं MIPI टेस्टर की काफ़ी अच्छी स्पीड है। तो अभी हमारे 1x1 लाइन 0 के पार्टीशन इरेज हो रहे हैं। और स्पीड हमारी 100 Mbps इरेजिंग स्पीड है, तो अभी तक मुझे इतनी कहीं स्पीड देखने को नहीं मिली है। तो अभी देख सकते हैं कि UFS में भी अच्छी खासी स्पीड दे रहा है MIPI टेस्टर, ताकि दूसरे बॉक्सों में UFS में रीड राइटिंग की स्पीड शायद 5 से 10 MB की ही होती है। कष्ट रीड हो गई, तो फ्रेंड्स हमारी जो UFS थी उसके सारे पार्टीशन हमने इरेज कर दिए हैं। तो हम UFS प्लस RAM को रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद दोनों को हमारे मदरबोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम UFS को रिवॉल्व करते हैं, उसके बाद RAM करेंगे दोनों को 1x1 करके। तो एक बार UFS और RAM को IP से क्लीन कर लेंगे ताकि कोई कचरा वचरा रहता है तो वो प्रॉपरली साफ़ हो जाए, तो उससे हमारा इंस्टॉलिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अभी हमने इसको प्रॉपरली क्लीन कर लिया है, एक बार UFS को भी क्लीन करेंगे। तो UFS भी हमारा प्रॉपरली
लीन हो गया है। तो अभी फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रैम के जो सीपीयू साइड गोल्डन पॉइंट है उनको हम सोल्डर की मदद से सोल्ड करेंगे और उसके बाद डिसोल्ड करके सीपीयू को इंस्टॉल करेंगे। तो आयरन में हल्का सा सोल्डर लगा लेंगे और जितने भी गोल्डन पॉइंट हैं उन सबको सोल्ड कर देंगे ताकि हमारा रैम प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाए। इस टाइप से हमें इसको सोल्ड कर लेना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको मैंने पूरा सोल्ड करके और हमने सीपीयू को डिसोल्ड कर दिया है। अब हम इसमें इसका यूएफएस और रैम इंस्टॉल करेंगे और फिर इसकी जो प्रोग्रामिंग बची हुई है बाकायदा आपको वीडियो में दिखाएंगे कि इसको आप न्यू सीपीयू इंस्टॉल कैसे करेंगे और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। तो अभी हम रैम और हमारा जो यूएफएस है उसको इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारी रैम भी इंस्टॉल हो चुकी है और ये उसका ओल्ड सीपीयू है यहाँ पे। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारे फ़ोन की प्रोग्रामिंग करते हैं और चेक करते हैं कि न्यू सीपीयू में हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें चेक करेंगे कि हमारा जो सीपीयू रैम और यूएफएस हमने इंस्टॉल किया है ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक बार आपको बता दूं कि हमने अभी इसमें न्यू सीपीयू इंस्टॉल किया है जो कि अनलॉक होता है। तो हमारा अगर ये अनलॉक सीपीयू है तो हमारा यूएमटी या फिर किसी भी जो टूल में ये सपोर्ट करना चाहिए तो ही अनलॉक सीपीयू माना जाएगा। तो अभी इसको हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा यूएमटी डोंगल में इसकी फ्लैशिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, क्योंकि आप सभी को पता है ये एक ऑथेंटिकेशन वाला सेट होता है पोको X3 प्रो जिसका लोडर अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हम इसको EDL मोड में UMT डोंगल से फ्लैश करके देखते हैं कि ये फ्लैश होता है या नहीं होता है। अगर ये फ्लैश होता है तो इसका CPU अनलॉक है और ये बिल्कुल एकदम न्यू CPU आप लोगों के सामने मैंने इंस्टॉल किया था। तो अभी चलिए हम चेक करते हैं हमारे UMT डोंगल में कि हमारा सेट फ्लैश हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैंने इसको डायरेक्ट USB लगा दिया है क्योंकि इसमें हमने पहले देखा था कि हमने इसके सारे पार्टीशन हमारे मीपी टेस्टर से इरेज कर दिए थे। ज़रूरी नहीं है कि आप मीपी टेस्टर से ही करें, आपके पास UFS का कोई भी बॉक्स हो, EGZ Attack, UFI, Medusa या मीपी टेस्टर, आप चारों में से कोई भी यूज़ करके इसके पार्टीशन इरेज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो लोडर था वो भी इसने लिया है और डिटेक्टिंग स्टोरेज टाइप पे ये गया है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा स्टोरेज एक्टिवेट होता है कि नहीं होता। देखिए बिना ऑथ के ये हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है, ना ही हमारा इसमें कोई क्रेडिट सिस्टम है, ना ही इसने हमसे कोई परमिशन लिया, डायरेक्टली ये फ्लैशिंग हो चुका है। अभी हम इसको फ्लैश होने के बाद देखेंगे कि ये फोन ऑन होता है कि नहीं होता है। फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई थी हमारी, चेक करते हैं फोन ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। देख सकते हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि हमारा जो फ्लैशिंग था वो कंप्लीट हो गया था। साइट मेरे पास है, ऑन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं आप सेट कम्प्लीटली ऑन हो रहा है, MI के फर्स्ट लोगों पे आ चुका है। वेट करते हैं कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं होता है। अभी देख लीजिए इनजी फिम्बर डली है, सामने बूट लोडर अनलॉक का भी आइकॉन आया था और सेकंड हमारा जो एंड्रॉइड का ऑप्शन आता है इनजी के बाद सेकंड लोगों में वो भी आ चुका है। तो देख सकते हैं फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है और चाइना लैंग्वेज में आया है अभी। तो इसकी मैं एक बार सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ। और अभी इसमें हम जो बाकी का बचा हुआ प्रोसेस है वो फिनिश करके यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ओके डन। तो आप देख सकते हैं, अब इसका एक बार मॉडल भी वेरीफाई करा देता हूं आप लोगों को। देख सकते हैं जो डिवाइस नेम आ रहा है ऊपर वो वायु आ रहा है, तो मतलब पोको X3 प्रो वायु के नाम से इसका जो MI का कोड होता है फ्लैश फाइल का वो वायु के नाम से हो सकता है। तो एक सेकेंड लॉक हो गया था। तो ये देख सकते हैं वायु का नाम आ रहा है और फोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो अभी हम इसको बाकी का जो इसमें प्रोसेसर है वो फिनिश करके फोन कम्प्लीटली ग्लोबल में कन्वर्ट करेंगे।
तो हम ग्लोबल फाइल से फ्लैश करेंगे, ठीक है। हम इसको UMTs हमारी डोंगल से फिर इसको EDL मोड में फ्लैश करने का ट्राई करते हैं। तो अभी मैं इसका EDL मोड के मैंने जंपर शॉट कर दिए नीचे EDL पॉइंट टेस्ट पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, स्टोरेज डिटेक्टिंग डिवाइस पे आ चुका है, इसका हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारी फ्लैशिंग भी स्टार्ट हो चुकी है ग्लोबल फाइल की। तो अभी ग्लोबल में हम इसको कम्प्लीटली ऑन करेंगे और इसका एनवीडाटा का एरर आएगा उसे भी हम फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इस फ़ोन को ऑन किया है, तो अभी एरर जो आ रहा है आप जूम करके दिखाता हूँ, एनवीडाटा इज करप्ट। अभी हम इस एनवीडाटा को फिक्स करेंगे और सेट को कम्प्लीटली ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सेट अभी मेरा ग्लोबल में भी ऑन हो चुका है और इसमें एनवीडाटा का जो प्रॉब्लम है उसे हम अब फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी हमारा जो एनवीडाटा का एरर था उसके लिए हमने यहाँ पे जो ये ट्वीज़र है ये देख सकते हैं थोड़ा जूम आउट करके, ये कॉइल लगी है यहाँ पे हमारी PM8150B लगी है, इसके ऊपर एक कॉइल लगी हुई है हमारी। कॉइल के ऊपर दो कैपेसिटर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो जिनमें से हमने सबसे लास्ट वाला कैपेसिटर रजिस्टर 10K का लगाया हुआ है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की और चेक करते हैं कि इस रजिस्टर को चेंज करने से हमारा एनवीडाटा का जो प्रॉब्लम था वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सेट ऑन करते हैं और उसके बाद एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगा इसमें कि पहले मैं इसका ये एनवीडाटा का सॉल्यूशन आपको देता हूं, उसके बाद मैं आपको इसमें एक चीज़ और चेक करके बताऊंगा वो भी आपके बहुत यूज़फुल में, ताकि हमारे व्यूअर्स को ये ना लगे कि इन्होंने CPU बदला है कि नहीं बदला है या फिर तमाम प्रकार की बातें वगैरह वगैरह। तो उसके लिए भी मैं इनको एक चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी साइट एनवीडाटा का एरर आया था, मैंने इसको रिबूट कर दिया है, अब हम देखते हैं हमारा साइट ऑन होता है या नहीं होता है। अभी यहाँ देख सकते हैं ऊपर बूट लोडर अनलॉक का निशान बना हुआ है परमानेंट, जबकि हमने इसका बूट लोडर अनलॉक नहीं करा है, हमारा CPU ही अनलॉक है, CPU का ही बूट लोडर कंपनी से अनलॉक है। कोई भी कंपनी बूट लोडर को लॉक कर देती है और उसके बाद हमारा साइट ऑफलाइन फ्लैशिंग होना बंद हो जाता है, तो हमारा लोडर नहीं लेता। तो ये कंपनी की साइट से ही, क्वालकॉम कंपनी की साइट से ही हमारा CPU का बूट लोडर अनलॉक आया है, जिससे ये ऑफलाइन फ्लैश भी हो रहा है और सेट ऑन भी हो रहा है। तो अभी इसका ये प्रोसेस चल रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं सेट कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। अभी मैं इसको आगे बढ़ा के देखता हूँ, नेक्स्ट करके पूरा कंप्लीट ऑन करता हूँ। ये हमारा जो MI का स्टार्टअप का प्रोसेसर होता है नेक्स्ट करने का, वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। नेक्स्ट एग्री स्कीप वाईफाई इंसर्ट सिम स्कीप नेटवर्क वाईफाई का आ गया, गूगल सर्विस का एरर चल रहा है अभी हमारा प्रोसेस, फ़ोन को लॉक स्क्रीन का पासवर्ड मांग रहा है, नेक्स्ट एग्री, और ये हमारा कंप्लीट प्रोसेसर का फिनिश का ऑप्शन आता है जो लास्ट में आप देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ़ोन ऑन हो चुका है। और फ्रेंड्स में भी हम एक चीज़ और चेक करेंगे कि अब ये हमारा UMT से इन्फो देता है या नहीं देता है, क्योंकि अब हमारा CPU अभी भी अनलॉक CPU है हमारा। अगर ये हमारा अनलॉक CPU देता है तो अनलॉक CPU के बाद अब कभी भी इसकी फ्लैशिंग आप बिना और क्या आप इसकी फ्लैशिंग कर पाएंगे, वो चीज़ भी हम एक बार वेरीफाई करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि 1158 1166 ठीक है, चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने EDL फ़ोन में अपने फ़ोन को कनेक्ट किया है, अब फिर से हम इसकी रीड इन्फो लेंगे एक बार, ताकि हमारा जो रीड इन्फो है वो हमारा फ़ोन में बिना ऑथ के आता है या नहीं आता है। तो एक बार हम ये भी वेरीफाई करके आपको बताएंगे।
और आपको इससे ये भी पता लग जाएगा कि ये सेट बिना ऑथ के भी आप कभी भी आप फ्लैश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो हम चेक कर लेते हैं। अभी हमारा लोडर पे ये पहुंचा है, अभी देखते हैं इसमें क्या एरर आता है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा लोडर लेने के बाद डिटेक्टिंग स्टोरेज टीआई पे चला गया और इसकी जो सिक्योरिटी की ऑथ की प्रोसेस थी वो बाईपास है टोटली। देखिए आप, एरर आ चुका है, मतलब कि ये हमारा अनलॉक सीपीयू है। आपको जितना भी मैंने दिखाया है टोटली बिल्कुल एक, आप कभी भी ये प्रोसेस लेके आपका साइट फॉलो करेंगे तो आपका साइट रिपेयर कर पाएंगे। और इसमें जो सीपीयू लगा है उससे मैंने आपको ये भी वेरीफाई करवा दिया कि वो टोटली अनलॉक सीपीयू है, ना कि मैंने कोई मदरबोर्ड एक्सचेंज किया या ना किया। क्योंकि अगर मैं बोर्ड एक्सचेंज कर देता हूँ तो यहाँ पे जो आपका लोडर लेने के बाद ये मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगता। अगर वीडियो में कुछ यूज़र्स होते हैं जो कमिटमेंट करते हैं तो उनके लिए भी मैंने ये चीज़ उनको आइडेंटिफाई करके बता दिया है कि अगर ये मेरा सेट और सीपीयू चेंज में किसी ओल्ड फ़ोन का करता तो ये मुझसे ऑथ मांगता, ना कि मुझसे फ्री में फ्लैश करने देता। अगर आपके पास भी कोई सेट हो तो आप ट्राई कीजिए, वो UMD से फ्लैश नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।